हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। सुबह बारिश हो रही थी, रात भी पूरी रात बारिश ही थी और अभी भी कुछ ऐसा ही कुछ सुहाना सा मौसम है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज, वैसे भी सैटरडे है, तो थोड़ा बाहर घूम आए। बहुत ब्यूटीफुल सीन है, हवा बिल्कुल साफ है, वेदर इस समय अगर कहें तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और एक ये घूमने का बहुत अच्छा मौका है। क्यों भाई, दो है ना। तो फिर मिलते हैं और आपके साथ ही चलते हैं, हम आपको दिखाते हुए लेके चलेंगे। जहाँ जहाँ पे अच्छी जगहें होंगी वहाँ पे देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कहीं पे कुछ खाने का भी व्यवस्था होता है कहीं पे, तो आपके साथ करते हैं। ठीक है भाई, देखो दोस्तों क्या व्यू है, आप बताइए। बसंत आई हुई है, स्प्रिंग आया हुआ है, पेड़ों के नए नए कोपले आ रही हैं, बौर आ रही हैं, आम और लीची की बौरें हैं और ये है रोड। और देखिए आप, चलिए आज इसी में, यहीं आसपास में, इसी रोड पे हम कहीं पे खाने का माहौल देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पे ज़रा बढ़िया सा मिलेगा कुछ। चलो दोस्तों। तो दोस्तों अब ये देखिए, इस छोटे से रेस्टोरेंट में, छोटा क्या, बहुत काफ़ी बड़ा है, इसमें जाते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ माहौल बना हुआ है खाने का। तो बाय वन गेट फ्री मौके दही बल्ले चार। चलिए भैया देखिए कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है। देखो दोस्तों ये यहाँ पे खाने का इन्होंने सिस्टम बनाया, आज चार पाई पे बैठ के खाना खाते हैं। चलो भाई बैठो, जूते उत्ते निकालने पड़ेंगे। थैंक यू भाई, बैठ सकते हैं। ऐसे ही बैठोगे और कैसे बैठोगे। खाओगे देखो, छोले भटूरे, आलू पूरी, आलू पराठा, गोभी पराठा, मिक्स सैंडविच। भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है, बैठे हैं, बड़ा मजा। ये तो सिस्टम अच्छा लगता है, बचपन में बैठा करते थे और काफी साल बाद करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। बचपन याद आ रही है, बचपन में कभी ऐसा कूदा। देखो दोस्तों हमारे शहर में ना यही एक खूबी है, यहाँ पे व्यू हमेशा नेचुरल व्यू इतना ज़बरदस्त है और इन नज़ारों के बीच में लोगों ने अपने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। आप यहाँ इधर आके बैठ के खाना खा सकते हैं और मज़े से अपना जो है कि प्रकृति का भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए क्या सेटअप बनाया है इन्होंने, देखिए क्या, आपने ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे हैं इतने अच्छे नेचुरल व्यू के साथ। चलिए दोस्तों कुछ ऑर्डर करते हैं हम। खाना ऑर्डर कर दिया? हाँ खाना ऑर्डर कर दिया और पीछे की कितनी खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा ले रहा हूँ। क्या ऑर्डर किया? क्या चाहिए? क्या ऑर्डर किया? मैं ज़्यादा अभी हल्का टेस्ट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक तो राजमा चावल ऑर्डर किया है और एक थाली ऑर्डर की है। ठीक है फिर वेट करते हैं। हाँ तो दोनों आदमियों का जो है कि टेस्ट, उधर की तरफ उन्होंने बुफे टाइप का कुछ समथिंग है। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, ये देखो। ये क्या भाई? राजमा। राजमा और ये है राइस। राइस है, ये है
हरी चटनी के साथ नींबू और प्याज खूब सारा दिया हुआ है, और ये है देखो, और ये है गुलाब, चटपटे गुलाब जामुन जामुन। और इसके साथ हमने मंगाई थी एक थाली, इसमें है रायता, ये क्या है, दाल मखनी है, पनीर है, ये वाह कड़ी पकौड़े, और इसके साथ है एक मिस्सी रोटी और एक बटर नान है शायद, और इसका रेट है 177 और राजमा चावल है 100 का। तो टेस्ट करो भाई, पहले मैं राजमा ही देखूं, घर जैसे, घर जैसा है जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, स्पाइस एडजस्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ स्पाइसी नहीं है, जैसे हम लोग घर में राजमा बनाते हैं। सही तो चटनी ऐसे कौन खाता है यार, चटनी इसके ऊपर डालो ना, आप अपने सैलेड के ऊपर डालो और भी खाओ, या यहाँ से मेरे से हाँ ठीक है, वही मिंट वाली चटनी अपनी, अच्छा दही वाली मिंट वाली बढ़िया। ये देखो मिस्सी भी टेस्ट करो आप, दाल मखनी के साथ स्मूथ है, दाल मखनी स्मूथ है, स्पाइसी नहीं है, मसाले उबले हुए नहीं है, नॉर्मल फ्लेवर, अच्छा। और ये पनीर और कड़ी को चावल के साथ खाओ, ठीक है, खट्टी है, खट्टी। तो ये पास है, पास है। और ये क्या लाए हैं भैया, अच्छा खीर है, ये खीर है। ये बाद में खाएंगे, अच्छा जब खाना खत्म हो जाए, अच्छा वो मुझे कह रहे थे केसरी खीर है। चलो भाई आप शुरू करो, और दोस्तों हम भी खाना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको खाने के बाद बताते हैं, पोर्शन काफी सारा है और ये मैं इतना खा भी नहीं पाऊंगा, खाली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, ठीक है, पोर्शन भी अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा पोर्शन है, काफी मतलब एक आदमी खाएगा तो पेट फुल हो जाएगा। चलिए खाने के बाद आपको इनके कमेंट्स बताते हैं और फिर आपसे बताते हैं कि इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। थैंक यू भाइयों, लो तुम बहू के हाथ से सौंप ले, बहुत अच्छा खाना था यहाँ पे इनका, और इनकी डेकोरेशन तो हमने आपको दिखाई, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, गुड फूड, गुड सर्विस, वी आर सेटिस्फाइड। इस रोड पे तो बहुत सारे यार मैगी पॉइंट्स थे पहले, सब हम आ गए हैं मैगी पॉइंट पे, देहरादून में मैगी पॉइंट्स बड़े फेमस हैं, तो हम भी ट्राई करें, हाँ चलो आज मैगी खाते हैं, चलो आज हम भी मैगी खा के देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी मैगी आ गई है,
और चाय, चाय का रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो चलो ट्राई करके बताओ मैगी कैसी है। गर्म होगी, यमी मैगी तो होती ही यमी है। पर वो उसको थोड़ा मिर्ची विर्ची डाल के और चटपटी कर देते हैं, वो और यम्मी की यम्मी 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 हो जाती है वो। चलिए फिर चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।